हेलो एवरीवन, मैं हूँ फिरदोस शेख। हाउ टू कुक दिस में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि मैं तैयार मसाले यूज़ नहीं करती, तो आज हम बनाते हैं तंदूरी मसाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, गैस ऑन करते हैं और अब इसमें हम ऐड करते हैं 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 7-8 लौंग, 1 टीस्पून काली मिर्चे, 3 दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं, आधा जायफल ले लिया है और 2 बादियान ले लिए हैं मैंने। अब 5 हरी इलायची डाल दी है और 2 बड़ी इलायची ले ली है। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे। और अब 7 से 8 साबुत मिर्चें ले ली है मैंने। तो इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब ऐड करते हैं कसूरी मेथी करीब 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे और ये 1 टीस्पून सौंफ डाल दी है मैंने। अब सभी मसालों को 1 मिनट तक सौटे करना है, जब तक कि अच्छी सी बढ़िया सी खुशबू ना आ जाए। तो बस ये मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं, तो गैस ऑफ करते हैं और अब इसे हम ठंडा करेंगे। तो इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसे ऐड कर देंगे मिक्सी जार में और इसे दरदरा ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मेरे पास साबुत नहीं है, अगर आप साबुत यूज़ कर रहे हो तो सौटे करने के वक्त यूज़ करना। तो देखिए हमारा बढ़िया सा तंदूरी मसाला तैयार है। तब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। अब इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के 6 महीने तक यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो या नए ब्लॉग के साथ, और ये स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियो भी क्लिक करके ज़रूर देखते जाना।